तो कहानी शुरू होती है आलिया भट्ट से, जो जंगल में किसी कल्ट को देख रही है जो कर रहे हैं भीम क्रीम चामुंडा नमः। अब भीम की शक्ति भूत भगाए, कोई भी उससे बचना भाई, भाग भौसड़े के। But apparently कालिया भट्ट got issues with these motherfuckers, तो ये बड़े से पोस्टर या whatever को जला देती है और इसका वीडियो निकाल के, I don't know how इतना अच्छा नेटवर्क है यहाँ, उसे अपलोड करके भागने लगती है, कहे कि busted। But since इस मूवी का नाम सड़क 2 है, तो ये नहीं कि जंगल में भाग जाए, नहीं, सड़क पे ही भागेगी। मौसी जी गाने, ये पॉइंट याद रखना, नए साल के नए वाइवा में काम आएगा। हम कैसे मान ले? वहाँ संजय दत्त, who is still living in the nostalgia of सड़क 1 and the regrets of doing this movie, अपनी एक्सपायर्ड वाइफ की याद में इतना रोया इतना रोया कि भाई साहब झूला झूलने चले जाते हैं। अच्छा बात नहीं है, लेकिन इनकी किस्मत निकली एकदम 100% लैंड। वहाँ इनका दोस्त आनंद बाबू इज लाइक, अरे तेरी माँ का, ऐसा ऐसा झूला झूलते हैं, अब पागल खाने में आया, कहे कि तू इमेजिनरी डेड वाइफ से बात करता रहता है, एंड यू गॉट इश्यूज, यही बस जइयो, ना सुनना ही नहीं है मुझे, सुनना ही नहीं है मुझे, एंड ही इज स्टिल लाइक नहीं माता क्यों। लेकिन वहाँ इसे दिखती है आलिया भट्ट, हु इज एडमिटेड इन द मेंटल हॉस्पिटल, कहे कि आई डोंट नो, हरकतें ऐसी ऐसी हैं, है? अरे पागल है, उसे देख के ही इज इमोशनल। ओके, ऑलराइट। लेकिन पागल खाने में भर्ती नहीं होंगे चाचा। वेल बॉयज एंड गर्ल्स, मेंटल हेल्थ की बात आती है तो ऑलवेज टेक सम हेल्प, ऑलराइट, भूलिएगा मत। वहाँ आलिया भट्ट का बाप इज नाउ क्राइंग because this asshole loves his daughter too much, and वो mental hospital से भाग गई WhatsApp पे notification देके, and इसका बाप now blames his wife की sister / his current wife for the shit। अबे साले, own up to your shit, dude। वो नहीं हो पाएगा। वहाँ संजय दत्त, who is still going through existential crisis, के पास जाती है भगालिया भट्ट, who is like, hello चाचा, ये taxi booking किया था, आपकी dead wife ने किया था, जिसका मुझे अभी तक नहीं पता कि she is dead, तो कैलाश जाना था जरा, चलो। But he is like, अरे चिंगी, जाना रे, I quit। Please ना बाबा। नहीं। Pretty please। नहीं। अच्छा ले साले, हाथ काट लेती हूँ मैं जिससे तेरे को मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, और डेड वाइफ की याद आएगी तुझे, वहाँ हेलुसिनेशन भी होगा उसकी आवाज का, जिससे तू गिल्ट ट्रिप में चला जाएगा। What the fuck is this? तो वेल, घर आके इसे पता चलता है कि इसकी वाइफ तो RIP in peace हो चुकी है, तो इमोशनल मैनिपुलेशन शुरू। अरे बाबा, चलो ना रे बाबा, ये देखो रसीद, इस पे तेरी बीवी का हैंडराइटिंग भी है बाबा। एंड सिंस इंसान चूतिए से ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो इट वर्क। वहाँ इसका बाप, ये कल्ट वाले मेन फ्रॉड, पहली बार क्लीन शेव्ड मकड़ी वाले फ्रॉड बाबा के पास जाता है, हु इज लाइक, भीम क्रीम चामुंडा नमः, भीम की शक्ति भूत भगाए, कोई भी इससे बचना पाए, भाग भौसड़े के। तू मत भाग भाई, तेरी बेटी भाग रही तेरी बेटी भाग रही है, शी इज गोइंग टू बी डेड, माल फूकेगा। और यहाँ ये लोग निकल पड़ते हैं लॉन्ग ड्राइव पे टिल कैलाश, कहे कि बुकिंग, इमोशनल मैनिपुलेशन, लॉट ऑफ लेसन, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, बट देन शी इज लाइक, भैया रास्ते से एक और आदमी को उठाना है भैया, एंड ही इज लाइक, तेरे माँ का, अपनी बैक स्टोरी बता जरा, एंड शी इज लाइक, नहीं रुक, तेरी माँ का इमोशनली मैनिपुलेट करता हूँ तेरे को। ओह फाइन फाइन, हियर इट गोज, ऑलराइट, मैं रिच है, मेरी माँ को मेरी मौसी ने मारा और मेरे बाप से शादी किया, क्योंकि सब चूतिए लोग किसी फेक कल्ट को फॉलो करते हैं, व्हिच आई अपोज, बिकॉज़ आई एम अ हैशटैग रेबल बिच, ऑल्सो मेरा बाबू है आदित्य रॉय कपूर, जो मेरे कमेंट्स में मेरे को गालियां देता है, बिकॉज़ आई एम अगेंस्ट दिस अंधविश्वास, तो उसे जाके झाड़ दी मैं, तो मेरे को आके वो सॉरी बोला, फिर मेरा कल्ट ज्वाइन किया जहाँ मैं ये सब बोलती थी। नहीं, अब बस फिर दोनों डेट करने लगे, और फिर हमारे बॉयफ्रेंड को फेक एड्रेस मिला, फेक बाबा के अगेंस्ट आई विटनेस का, तो मैं वहाँ गई, लेकिन वहाँ राड़ा हुआ और ये से कूद दिया, तो जेल हो गया बेचारे को, और मेरा कल्ट भी बंद हो गया, एंड हराम खोरों ने मेरे को पागल डिक्लेयर कर दिया, और मैं भाग रही है तब से। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो वेल, रॉय कपूर आदित्य इज नाउ आउट ऑफ जेल आफ्टर 2 months बिकॉज लॉ, आई डोंट नो, एंड ये साथ में एक उल्लू भी लाता है, अबे जेल गया था हॉगवर्ट्स, Who cares? But he hates the new cab, कहे कि यहाँ सुट्टा और चुम्मा अलाउड नहीं है, तो इसे नहीं करना इसमें ट्रैवल। A few moments later, but well, Somalia भट्ट एक महंगे से कैफे में जाके इसकी ओरिजिन स्टोरी बताती है कि अरे चाचा इज डिप्रेस्ड, झूला झूलने के मूड में है, एंड लोनली, एंड डिड आई मेंशन डिप्रेस्ड, फक,
तो इसे और नहीं करना इसमें ट्रैवल। वहाँ इसकी मौसी स्लैश स्टेप मॉम और पिताश्रिया वरीड एज़ फक की बिटिया रानी बड़ी सयानी गई घर से भाग, तो ये मुच्छड़ बोलता है, चिल ड्यूड, आई गॉट दिस, ऑलराइट आई गॉट दिस, मेरे को पता है वो लौंडा नहीं है जो वो बोलता है, एक गुंडा टाइप है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई नो एवरी शिट ड्यूड, आई गॉट अ बैड मैन टू डू दिस जॉब, सो चिल, ऑलराइट चिल। वह कपूर रॉय आदित्य इज लाइक, चाचा आप पे भरोसा नहीं है तो हमें मेरे दोस्त के पास छोड़ दो, ठीक है? अबूझे के नहीं, अच्छा बूझे, अच्छा पहुंच गए, यू फास्ट मैन, चलो बाय। लेकिन ये अपना उल्लू भूल गया, अब बड़ा अजीब आदमी है यार। I know, right? लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, वहाँ अंदर है बैड मैन गुलशन ग्रोवर हु इज आल्सो इन दिस मूवी फॉर नो रीजन, और इसके दोस्त ने इसको दिया धोखा, तो वहाँ आ जाते हैं संजय दत्त विद द उल्लू हु इज फॉर सम रीजन सडनली वेल ट्रेन्ड एंड अटैक्स ऑन कमांड। ओके ओके क्या हो रहा है, बट देन सिंस He is the protagonist, ये सबको पेल के वहां से भाग जाते हैं। Totally believable. कुछ भी। And he's like, chill dude, मैं मरते दम तक तेरे को बचाएगा। It's a spoiler alert. लेकिन रॉय आदित्य कपूर इज नाउ हैविंग एंजाइटी, कहे कि प्लॉट ट्विस्ट, ये तो मकड़ी वाले क्लीन शेव फेक बाबा का भक्त है, एंड ही कन्फेसेस कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा हम कबाब कर दो, हम नशेड़ी थे तो हमको बाबा ने बचाया, फिर उसके ये मुच्छड़ ने तेरे पीछे भेजा था तुझे बर्बाद करने खातिर, लेकिन हमको तुमसे प्यार हो गया एंड हम चेंज हो गए, सो क्लीशे, लेकिन हमको माफ कर दो यार, धोखा ही तो दिया है। तो संजय दत्त इज लाइक, अरे माफ कर दे यार, धोखा ही तो दिया है, प्यार करता है ना तेरे से, लेकिन तो कर दे माफ। एंड शी इज लाइक, वेल चमड़ी मैटर में पड़ी हुई तो थी ही, तो इट्स ओके डूड, इट्स ओके, अब क्या बोले, लेट्स हग द शिट आउट लाइक इट नेवर हैपेंड, ऑलराइट, बकवास। लेकिन अब आनंद बाबू संजय दत्त को बोलते हैं, अबे उसकी स्टेप माँ में झोल है ना, उसके बाप को बता दे सब, निकल फालतू के राड़े से यार, जब देखो फालतू की चीजों में घुस जाता है। तो भाई साहब सब सुन के इसके बाप को एड्रेस बता देते हैं, धोखा, अबे साले, बट वेल इसकी स्टेप मॉम स्लैश मौसी हैज अ मेंटल ब्रेकडाउन एंड शी इज लाइक, साला चल क्या रहा है इस मूवी में, आई मीन ये साला, हमको मेंटल पीस चाहिए यार, अपनी बहन को गुरु जी के बोलने पे मार दिए फिर भी मजा नहीं आ रहा है, आई एम नॉट द बैड गाय, ऑलराइट, तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। एंड उसका बाप इज लाइक, आई नो राइट, अच्छा वैसे बाबा मेरा ही आदमी है और तेरे को फंसाया मैं, कहे कि हमारी बीवी इज रिच और वाज रिच, लेकिन साला सारा पैसा अपनी बेटी के नाम करेगी तो उसको पागल बना के सब लूट लेगा मैं, थैंक्स फॉर बीइंग द बैड गाय, नाउ चलो डाई। व्हाट द फक, हु रोट दिस, व्हाई, नहीं मतलब कौन, कब कब लिखी गई ये स्क्रिप्ट, 1990s में, व्हाट द फक डूड, करते कैसे हो ये सब। बट वेल ये इसके बाप को दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाते हैं कि बूम हो गया पचका है, कहे कि बाप भेजता है ये मुच्छड़ और गुलशन ग्रोवर एंड आनंद बाबू इज अ हॉस्टेज, तो वेल राड़ा शुरू और गुलशन ग्रोवर डाइज विदाउट एडिंग एनीथिंग क्रूशियल टू द स्टोरी एंड संजय दत्त इज लाइक, लोल गलती से मिस्टेक हुई गवा, तेरे बाप को धोखा दे गवा, लौड़ लग गवा, सॉरी बाबा। एंड इसके बाप की फट के चार, कहे कि एक्सपोज हो गया लौंडा, तो वेल ये फेक न्यूज फैला देता है कि बिटिया रानी किडनैप हो गई, झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो, तो ये बाप को कॉल करके बोलती है, सुन बे गेंडू, तू मूवी के लास्ट तक जिंदा रहेगा समझा, और एक पैसा नहीं मिलेगा तेरे को अभी, सो यू कैन रन बट यू कैन हाइड, ब्रिज टू लूज मदरफकर, लाइक लिटरली। ये गन फट गया, तो ये लोग अब इसका बर्थडे मना रहे हैं, कहे कि 21 साल की होगी ना ये, हैप्पी बर्थडे। एंड अपना कपूर आदित्य रॉय आशिकी 2 के कैरेक्टर में घुस जाता है और योगी बाबा स्टूडियोज का गाना गाने लगता है, जो लड़की का माँ, नोइस। लेकिन केक में था हैश, सॉरी आई मीन आई नेवर सेड दैट ऑलरेडी, केक में थी स्लीपिंग पिल्स का पाउडर, तो दोनों लुढ़क जाते हैं, कहे कि अब बाबा का दिमाग हिल गया एंड सिंस ही इज ऑलवेज इन द मूड टू झूला झूलना, ये पहुंच जाता है बॉस फाइट वाले इविल लेयर में, मारे जाओगे एक दिन, जहाँ सिक्योरिटी इतनी चूतिया है, नहीं मतलब इतनी ज्यादा चूतिया है कि एक बुड्ढा नहीं मारा जा रहा है लोगों से, क्या गुंडा बनेगा रे तू, तो मकड़ी वाला क्लीन शेव फ्रॉड बाबा पहले भाग रहा होता है मिर्जापुर वाले हरामी हो बेटा वाले के साथ, तो पहले आप मरेंगे, अरे रुको बेटा, अरे उसकी माँ का फेल दिया, वेल मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स है तो आई कैन सर्वाइव दिस मदरफकर, अगला गोली मारेगा मुझे, ले तेरे को मैं मारता हूँ रिटर्न में, मरा क्या, हाँ मर गया, अरे फ्रॉड बाबा लो बैंग, अब चलो पिताजी को मारते हैं, हेलो पिताजी, मैं गिर गया और लो उठ गया, साले पैसे क्या दिखा रहे हैं, मार देगा मैं तेरे को, अच्छा मूर्ति देखूंगा, और उसकी माँ का साले गोली मारता है, रुक तेरी माँ का त्रिशूल से मारेगा तेरे को, मरा क्या, हाँ मर गया, और सड़क बन का फ्लैशबैक, देख लो मैं टपक गया, लोल
That was easy, I guess. And well, hi Rupa, Nalia. But जाके सब हक देती है कि हाँ हमारा बाप फ्रॉड था, सब फ्रॉड है। अरे तुम भी साले बिके हुए वादे हराम खोरो। Also, I'm rich now. चलो कैलाश चलते हैं। अस्थि अब आएंगे वहाँ और ये सारा सरदर्द खत्म करेंगे यार। Finally. इस मूवी का नाम सड़क टू की जगह फ्रॉड बाबा एंड फ्रॉड पापा फीचरिंग फाइटर बुड्ढा होना चाहिए था। सेंस का पता नहीं, लेकिन ये मूवी नहीं बनना चाहिए था। So guys, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद है तो शेयर कर देना, एंड यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब याद से कर देना। और अगर हमारा गाना पसंद आया, एंड इफ यू लिव इन दिल्ली और दिल्ली एनसीआर या फिर आसपास का एरिया, ज्यादा दूर नहीं है, और एक गाना तुम भी बनवाना चाहते हो, तो ईमेल अस ऑन contact@yogibaba.gmail.com एंड गेट योर सॉन्ग मेड बाय योगी बाबा क्रू। कई चेहरे राज गहरे हैं, सड़कें काली हैं, स्क्रिप्ट्स भी टट्टी हैं, ये कोई मूवी है? ये कोई मूवी है? चूतिया बना रखा है पब्लिक का, बताओ।